हाय स्टूडेंट, वेलकम टू आर सी एजो हब ऑनलाइन क्लासेस। चैप्टर नंबर 8, लास्ट टॉपिक है इसका, पाउंड्री वैल्यू ऑफ बेर का छाछा रोग। बेर का छाछा जो रोग है, इसकी खोज सर्वप्रथम 1946 ईस्वी में कानपुर में की गई। खोजकर्ता जो है मेहता नामक वैज्ञानिक। सबसे पहले 1946 कानपुर मेहता नामक वैज्ञानिक ने की। इसके लक्षण जो होते हैं, वो सबसे पहले पादप जो है उसके ऊपर लगे हुए जो फल होते हैं, बेर के जो फल होते हैं उनके ऊपर सफेद चूर्ण जैसा पदार्थ जो होता है वो लगा हुआ होता है, यानी कि फल के ऊपर सफेद चूर्ण जैसी अतिवृद्धि दिखाई देती है। एक पदार्थ होता है चूर्ण जैसा, वो उसके ऊपर दिखाई देता है। इसके बाद में बेर जो है उसका कलर बदल जाता है, भूरा रंग हो जाता है, होकर वो गिरने लगते हैं। इसके बाद में ये जो अतिवृद्धि हुई है चूर्णित पदार्थ जो है, ये शाखाओं पर और टहनियों पर भी दिखाई देने लगता है, शाखाएं और टहनियों के ऊपर दिखाई देने लगता है, जिससे वो भी सूखने लगती है। रोग जो होता है ये पादपों पर नवंबर से अप्रैल के मध्य दिखाई देता है। कब दिखाई देता है? नवंबर से अप्रैल। रोग जनक फैलता किससे है? ओइडियम एरिसाइफोइडस। ओइडियम एरिसाइफोइडस रोगजनक है इसका, जो कि जो बेर है उसके अंदर इस रोग को फैलाता है। इसके बाद में प्रबंधन तीन टाइप है, सस्य प्रबंधन, कल्चरल मैनेजमेंट, जिसमें पौधा जो है इनका बाग जो लगा हुआ है, दो पादप आपस में कहीं भी मिक्स हो रहे हैं तो उनको वहां से कटाई छटाई करके अलग अलग करना, एक जगह पे उनको मिलने देने से रोकना है। साथ ही ऐसे पादप जिनमें रोग फैल चुका है, ऐसे पादपों के उस भाग को जो रोगग्रस्त है उनको काट देना चाहिए, काटकर अलग ले जाकर उनको जलाना चाहिए, नष्ट कर देना चाहिए। ये सस्य में आता है। इसके बाद में जैविक प्रबंधन जो है उसमें बेर जो है उसकी रोगरोधी जो किस्में होती हैं उनका उपयोग करना चाहिए, जो कि हमारे जो सिलेबस है उसके अंदर इसकी रोगरोधी जो किस्में हैं वो दी हुई नहीं है, हमें ये पढ़ना भी नहीं है। इसके बाद रासायनिक प्रबंधन जो होता है, इसके अंदर जो सल्फर जो होती है, सल्फर धूली, यानी कि सल्फर को डस्ट के रूप में हम प्रयोग करते हैं और इसका बुरकाव करते हैं पौधे के ऊपर, जिससे ये नष्ट हो जाता है, या हम लिक्विड रूप में डाइनोकैप जो रासायनिक पदार्थ होता है उसको पानी में घोलकर उसका छिड़काव करते हैं और इस रोग को फैलने से रोका जा सकता है। रिपीट कर सकते हैं, बेर का छाछा रोग जो है उसको सर्वप्रथम कानपुर में 1946 ईस्वी में देखा गया था मेहता नामक वैज्ञानिक के द्वारा। लक्षण, सबसे पहले बेर के जो फल होते हैं उसके ऊपर सफ़ेद चूर्णित पदार्थ दिखाई देता है, जो बाद में टहनियों शाखाओं तक पहुंच जाता है, नवंबर से अप्रैल के मध्य दिखाई देता है। रोगजनक ओइडियम एरिसाइफोइडस। प्रबंधन, सस्य प्रबंधन में कटाई छटाई उनको अलग करके जला देते हैं। रोग जैविक में रोगरोधी किस्मों का प्रयोग करते हैं। रासायनिक में सल्फर धूली, इसका बुरकाव करेंगे। डाइनोकैप जो होता है इसे को पानी के अंदर डालकर इसका छिड़काव करते हैं। इस प्रकार से चैप्टर नंबर जो 8 है वो कंप्लीट होता है, जिसमें 3 रोग हैं और इम्पोर्टेंट है, तीनों में से किसी ना किसी एक का चयन होता है एग्जाम के लिए। इसमें सबसे पहले नींबू का कैंकर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सेकेंड जो है वो इसमें बेर का छाछा रोग, और एक इसमें जो दिया हुआ है वो अमरूद का मलानी जो रोग होता है। थैंक यू।